दोस्तों केरला सरकार ने स्टेट के कुछ बिल्स पर प्रेसिडेंशियल असेंट ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उन्होंने वहां के गवर्नर आरिफ साहब और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू दोनों के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। इश्यू ये है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा कुछ बिल्स पास करे गए थे उसमें से 7 बिल्स में से 4 बिल्स का अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है, मतलब उनको होल्ड पर रखा हुआ है। बेसिकली जो प्रोसेस होता है, पहले स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली एक बिल पास करती है, वो बिल जाता है गवर्नर के पास, गवर्नर जब उस पर अपना अप्रूवल दे देते हैं तो वो एक लॉ बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, सरकार द्वारा पास किए गए बिल को गवर्नर के पास भेजा गया, गवर्नर ने उसको पहले 11 से 24 महीने तक अपने पास रखा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास उन्होंने भेज दिया रिव्यू के लिए कि क्या ये हमें बिल पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और प्रेसिडेंट ने अभी तक उसको होल्ड करके रखा है। इसी को लेकर केरल गवर्नमेंट का कहना है कि उनके द्वारा पास करे गए बिल स्टेट की डोमेन में आते हैं, तो प्रेसिडेंट को उन्हें इतना होल्ड करने का कोई अधिकार नहीं बनता है।